अगर आपके यहाँ भी दीवारों पर इस प्रकार की सीलन चढ़ती है तो आपने मकान बनाने पर कहाँ पे गलती की है आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी क्योंकि महंगे से महंगे पेंट जो है सीलन की वजह से निकलने लगते हैं इससे आपकी दीवारें तो खराब दिखती है साथ में आपके मकान का जो इम्प्रेशन है वो भी कम होने लगते हैं इसमें केवल दो ही गलती होती है जब आप अपने मकान को बनवाते हैं तब आप अगर उसमें थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो सीलन की समस्या से आप हमेशा के लिए बच जाते हैं तो वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए इस वीडियो में जो है हम आपको ये भी बताएंगे कि जो दीवार पर सीलन की समस्या उसे कैसे ख़त्म किया जाए लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो दीवारों पर सीलन चढ़ती है उसका कारण क्या है तो देखिए जो दीवारों पर सीलन चढ़ती है उसका मेन दो ही कारण होता है आपने मकान बनाते समय केवल दो ही गलतियाँ की होती है जिसके कारण आपकी जो ब्रिक की वॉल होती है वो नीचे से ऊपर की ओर नमी को ट्रांसफ़र करती है इसमें जो मुख्य कारण होता है जो इन दोनों समस्याओं में जो मुख्य कारण होता है उसमें केवल और केवल इसमें रोल होता है आपकी प्लिंथ बीम का तो देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं जब अपने मकान का, का काम वो करवाते हैं तो प्लिंथ लेवल अब इसमें हम पहली गलती के बारे में बात कर रहे हैं तो जो प्लिंथ बीम होता है उसे क्या करते हैं वो जमीन लेवल पर दबा देते हैं यानी कि उन्होंने मिट्टी को खुदाई की उसमें प्लिंथ बीम डाला और उसके ऊपर से उन्होंने चालू कर दिया ब्रिक वर्क तो जब वो ब्रिक वर्क करते हैं तो सीधा सीधा जो है मिट्टी की जो नमी आपकी ब्रिक की वॉल से टकराती है और यहाँ से चालू हो जाती है आपके दीवारों पर सीलन की समस्या क्योंकि जो ब्रिक की वॉल होती है वो नमी को सीधा सीधा नीचे से ऊपर की ओर ट्रांसफ़र करती है जिसके कारण आपके मकान में हमेशा आपको सीलन की समस्या देखने के लिए मिलेगी और ये समस्या जब बारिश होती है तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जमीन लेवल पर ग्राउंड लेवल पर पानी पूरी तरीके से भर जाता है और नमी जो है ज़्यादा मात्रा में आपकी ब्रिक की वॉल पर लगती है और ये नमी नीचे से ऊपर की ओर ट्रांसफ़र होती है जिसके कारण आपके मकान में पेंट और बुट्टी खराब होने लगते हैं दूसरे रीजन की बात करते हैं अब देखिए बहुत से लोग पहली गलती को सुधार लेते हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो प्लिंथ बीम होता है उसे रोड के लेवल से एक फिट ऊपर देते हैं तो देखिए ये सीलन से बचने का बहुत ही अच्छा उपाय है अगर आप अपने प्लिंथ बीम को रोड के लेवल से ऊपर देते हैं तो यहाँ पे जो है आप अपने दीवारों की सीलन को 80 परसेंट तक के हल कर चुके होते हैं यानी कि इस समस्या को आप 80 परसेंट निपटा चुके होते हैं लेकिन दूसरी गलती अब हम बात करेंगे इसमें दूसरी गलती ये लोग क्या करते हैं कि जब भी ये अपने मकान में मिट्टी की भराई करते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो मिट्टी की भराई का लेवल है वो प्लिंथ बीम के लेवल से कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जब वो आपके यहाँ मिट्टी की फिलिंग करता है तो इस लेवल को जो है वो क्या करते हैं कि जो आपका प्लिंथ बीम है उससे थोड़ा सा ऊपर कर देता है तो इस केस में होता है क्या है कि जब मिट्टी जो भराई की है आपने जो मिट्टी की भराई की होती है अगर ये लेवल आपके प्लिंथ बीम के लेवल से थोड़ा सा भी ऊपर हो जाता है तो ये जो मिट्टी है सीधा सीधा आपकी ब्रिक वॉल से टच होने लगती है यानी कि उसके संपर्क में आने लगती है और ऐसे केस में जब ग्राउंड लेवल पर नमी बढ़ती है जब बारिश होती है नमी का जमाव जो है ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा होता है तो ये जो नमी है सीधे आपके ब्रिक वॉल पे टकराती है और इससे सीलन की समस्या चालू हो जाती है तो देखिए मकान बनाते वक्त आपको सबसे पहली बात क्या ध्यान में रखनी है कि आपको अपने जो प्लिंथ बीम है इसका लेवल जो है रोड के लेवल से हमेशा एक फीट ऊपर रखना है और दूसरा इसमें जो आपको काम करने की जो भी आप अपने घर में मिट्टी की भराई करते हैं उसका लेवल जो है प्लिंथ बीम आपने जो डाला होता है उसके लेवल से हमेशा छः इंच नीचे होना चाहिए ताकि उसके ऊपर आप बेस करें तो वो आपके प्लिंथ बीम के लेवल के बराबर हो जाए अब ये काम करने से होगा क्या देखिए सबसे पहले तो आपने क्या किया कि आपका जो प्लिंथ बीम है उसे रोड के लेवल से ऊपर डाल दिया और इसमें जो मिट्टी की भराई की है वो आपके प्लिंथ बीम के लेवल से छः इंच नीचे रखिए तो ऐसे केस में ना तो नमी बाहर की तरफ से आपके दीवाल पर चढ़ेगी ना ही अंदर के तरफ से आपकी नमी जो है वो दीवाल के संपर्क में आएगी तो इस केस में होगा क्या कि आपका मकान हंड्रेड परसेंट जो है सीलन की समस्या से मुक्त हो जाएगा तो ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने अपना मकान बनवा लिया है उनके यहाँ अगर सीलन की समस्या दीवारों पर आ रही है तो वो उसे कैसे हल करें देखिए सबसे पहली बात तो अगर आपका मकान बन चुका है और आपके मकान में ये दो प्रकार की गलतियाँ हुई हैं तो इस समस्या से बचने का सीलन को ख़त्म करने का कोई भी तरीका नहीं होता है क्योंकि ये जो काम होता है वो आपके प्लिंथ लेवल में गड़बड़ी और डीपीसी लेवल में गड़बड़ी के कारण होता है तो इसका परमानेंट समाधान वो कुछ नहीं होता है इसमें आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे इस सीलन को छुपाया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता देखिए इसमें पहला तरीका ये है कि जहाँ पे भी आपकी दीवारों पर सीलन आ रही है वहाँ तक आप अपने दीवारों पर टाइल लगवा लें दूसरा तरीका ये है इसमें कि जो पीवीसी पैनल का, का काम चलता है तो अगर आप अपने मकान में जिस भी दीवार पर आपके यहाँ सीलन आ रही है वहाँ पर आप पी पैनल का, का काम करवा सकते हैं तो ये देखने में भी अच्छी लगेंगी तीसरे इसमें एक तरीका और होता है कि बहुत से जगह में जो है आजकल वाटर प्रूफ जो वॉलपेपर हैं आप इसे लगा सकते हैं तो आपके दीवारों का लुक तो बढ़ता ही है साथ में जो सीलन की समस्या है इसे भी छुपाया जा सकता है चौथा इसमें तरीका आपके पास में यह कि जो व्यू मार्बल सीट होती है ये भी काफ़ी चलन में है ट्रेंडी लुक के साथ में आती है तो आप इसका उपयोग भी सीलन को छुपाने के लिए कर सकते हैं लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सीलन की समस्या को जो है मकान बनने के बाद में हल किया जा सकता है तो इसका जो चांस है वो नाइन्टी परसेंट तक के नहीं है तो अगर आप मकान बनवाने की सोच रहे हैं या आपके मकान का काम चालू करने वाले हैं तो आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी जिसके कारण आपके मकान में कहीं भी सीलन की समस्या ना हो तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद